नमस्कार दोस्तों, जैसे ही हम कमाना स्टार्ट करते हैं वैसे ही हम लोगों के मन में एक सबसे बड़ा विचार आता है, या ये कहें कि हमारे ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि बेटा घर खरीद लो। और अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि घर खरीदना हिंदुस्तान में एक अत्यंत ही आकर्षण का केंद्र है। परंतु आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि घर खरीदना बेहतर है या रेंट पर रहना बेहतर है। चूँकि हम में से कुछ लोग का ऐसी जॉब होती है जिसमें ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं, तो उस कंडीशन में लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने घर खरीद लिया तो अगर हमारा ट्रांसफ़र हो गया तो फिर उस स्थिति में हमको रेंट भी देना पड़ेगा और घर की ईएमआई भी देनी पड़ेगी, और जो हमारे घर से रेंट आएगा वो उस मात्रा में नहीं होगा कि हम ये दोनों चीज़ें पूरी कर पाएँ। तो इस स्थिति में आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, घर को खरीदना या फिर रेंट में रहना, ये सब बातें मैं अपने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट एग्जांपल्स के थ्रू हर एक चीज़ का एग्जांपल आपको दूंगा, कैलकुलेशन बताऊंगा, और आखिरी में आपको ये पता चलेगा कि क्या बेहतर है इस परिवेश में या इस स्थिति में या करंट जो मार्केट कंडीशन है उसमें आपके लिए घर खरीदना बेहतर है या फिर रेंट पे रहना ही ज़्यादा बेहतर है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ अपने इस YouTube चैनल पर, और अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को तुरंत अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया कि जैसे ही हम कमाना चालू करते हैं तो हमारे कमाना चालू करते ही हमारे जो गार्जियंस होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमसे एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बेटा अब तुमने कमाना चालू कर लिया है, अब तुम्हें घर खरीद लो। क्योंकि अपना घर एक होना चाहिए, और वैसे भी कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं फाइनेंशियल की उसमें ये देखा गया है कि जो हिंदुस्तान में यानी इंडिया में जो लोगों का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है वो प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट है। अभी भी इंडिया में 53 से 55% तक लोग जो अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं वो प्रॉपर्टी में ही करते हैं, जबकि जो प्रॉपर्टी से हमको जो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलता है वो 8 से 10% तक मैक्सिमम होता है। और अगर हम वही बात करें आजकल के जो फाइनेंशियल सिचुएशन है जिसमें अधिकतर लोगों को पता है कि आजकल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से हमको कई गुना रिटर्न मिल सकता है, परंतु फिर वही हमारे कुछ लोग कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे कि बेटा मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट आज ऊपर है कल नीचे है, कभी भी किसी भी कंट्री का मार्केट जो है वो गिर सकता है, परंतु प्रॉपर्टी उस जब मार्केट गिरता है तो उस स्थिति में भी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरती नहीं है। और हम ये कहते हैं कि भाई अगर कोई मार्केट गिरेगा तो वो उठता भी तो है। अब यूएस मार्केट में क्राइसिस आई तो यूएस फिर से खड़ा हुआ, अब इंडिया की भी मार्केट ऐसे ही, अगर इंडिया का मार्केट गिरा तो वो फिर से खड़ा होगा और फिर से हमको रिटर्न देगा। तो हम अगर पिछले 10 साल की बात करें तो हमको सेंसेक्स ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है कि ऑन एन एवरेज हमको उसने 20 से 25% का रिटर्न दिया है, परंतु हम यहाँ 20 से 25% का रिटर्न भी अगर नहीं मानते हैं, सिर्फ 10 से 15% का रिटर्न अगर हमको मार्केट ने दिया है SIPs के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, या फिर कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ अच्छी कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं उन कंपनियों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है आपके फंड की जो वैल्यू है वो कुछ सालों में ही कई गुना हो जाए। तो ये सब चीजें जो हैं वो जब आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके मन में ये चीज़ें सबसे पहले आती हैं कि भाई अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको क्या रिटर्न मिलेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि जब आप घर खरीदते हैं तो जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी का जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो ऑन एन एवरेज जो जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से 8 से 10% तक ही मिलता है। और वहीं अगर आप उसी पैसे को अगर अपनी SIPs वगैरह में लगाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे या फिर मार्केट में लगाएंगे तो आपको अमूमन 15 से 20% का रिटर्न मिलना तो तय ही है। अब कई सारे प्रोस एंड कॉन्स हैं, कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज नहीं सही है, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों के मन में तो ये हमेशा ही रहता है कि यार घर तो होना ही चाहिए। तो आपके मन में ये सारे जो विचार आते हैं कि भाई अगर हम घर खरीदेंगे और हमारा
ट्रांसफर हो गया, तो फिर उस स्थिति में जो हम घर की ईएमआई चुका रहे हैं और हम जहां दूसरी जगह पर जाएंगे वहां पर हमको रेंट देना पड़ेगा, उस स्थिति में हमारा जो घर है वो उतना अच्छा रेंट हमको नहीं दे पाएगा। चलिए तो चलिए ये तो हो गई बातें, मैं कुछ आपको प्रोस एंड कॉन्स बताता हूँ। सबसे पहले तो प्रोस आपको बताता हूँ, घर खरीदना क्यों चाहिए। तो घर खरीदना एक सबसे स्टेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर भविष्य में किसी भी कंट्री का मार्केट या शेयर मार्केट क्रैश होता है तो उस स्थिति में भी प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक अच्छा रिटर्न देता है, एक स्टेबल रिटर्न देता है और ये आपका जो स्टेटस होता है उसको भी बढ़ाता है। चूँकि जब आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आपने ये देखा होगा कि जो फ्लैट के ओनर्स होते हैं उनका एक अलग ही रेपो होता है और जो लोग रेंट में रह रहे होते हैं उनका एक अलग ही रेपो होता है। तो ये एक स्टेटस सिंबल है, ये एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। हालांकि इसमें रिटर्न कम है परंतु फिर भी ये एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके घर खरीदने से काफ़ी खुश हो जाते हैं और इसमें आपकी जो वैल्यू है आप ईएमआई के रूप में थोड़ा थोड़ा देकर एक बड़ा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके अपना एक बड़ा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे इसके प्रोस हैं। अब कॉन्स की बात करते हैं। कॉन्स में सबसे पहला आपका आएगा कि जो आप घर खरीदते हैं तो उसका जो ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलता है वो आपको 8-10% रिटर्न मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फाइनेंशियल मार्केट कह रहा है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। और जब आप इस SIP या म्यूचुअल फंड या मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अमूमन 20-25% या ऑन एन एवरेज हम 15% भी लेकर चलते हैं, तो आपको जस्ट डबल रिटर्न मिलता है। दूसरी बात, ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये फुल्ली लिक्विड है और जो आप घर खरीद रहे हैं, जो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लिक्विड नहीं है। जब आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी उस स्थिति में आपको उतना जल्दी फंड नहीं मिलेगा। कुछ स्थितियों में हो सकता है कि आपकी 1 करोड़ का अगर कोई फ्लैट है तो आप 80 लाख में उस फ्लैट को बेच देंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। मगर मेरा कहना यह है कि जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है अगर आपको फंड तुरंत चाहिए तो वो वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, उससे कुछ नीचे होके अगर आप बेचेंगे तो हो सकता है आपको तुरंत मिल जाए और उसके बाद भी उसमें जो रिटर्न मिल रहा है वो फिर कम हो जाएगा। और इसके अलावा जो इसमें ये एक कॉन्स है कि जब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा उस स्थिति में आप जो है अपने घर पर रह नहीं पाएंगे और फिर आप दूसरी जगह रेंट देंगे और आपके घर का जो रेंट होगा उस घर के रेंट की तुलना में हो सकता है कि कम हो। और इसके बाद चूँकि आपने घर खरीदा है तो हर 10 साल में आपको अपने घर में कुछ न कुछ रिनोवेशन, कुछ न कुछ रिपेयर्स वगैरह, प्रॉपर्टी टैक्स देना है आपको। ये सारी जो अगर आप खर्चे जोड़ेंगे तो ये खर्चे काफ़ी हो जाते हैं। आपको हर साल अपने प्रॉपर्टी के ऊपर एक टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, आपको वाटर टैक्स देना पड़ता है या कुछ और भी म्यूनसिपल टैक्सेस होते हैं वो आपको अपनी प्रॉपर्टी के एवज में गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं हर साल। वहीं अगर आप रेंट में रह रहे हैं तो आपको ऐसा कोई भी मेंटेनेंस, आपको ऐसा कुछ भी नहीं देना पड़ता है। और आजकल की जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं वहां पर अगर आप रेंट में रह रहे हैं तो फिर आपको मेंटेनेंस जो आपका लगता है वो आपका लैंडलॉर्ड ही देता है, आपको कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देनी है। तो इस तरीके से ये जो प्रोस एंड कॉन्स हैं वो मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, एक कैलकुलेशन भी आपको दिखाऊंगा और फिर आपको अंत में पता चलेगा कि हाँ अब किस में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। अगर कुछ लोगों का ये कहना होगा कि भाई ये हमारा पहला घर है तो हमको इसमें इनकम टैक्स में भी सेविंग मिलती है, तो इनकम टैक्स में सेविंग तो आपको मिलती है, बराबर मिलती है, आपको उसके प्रिंसिपल में भी आपको 1.5 लाख रुपए तक का ATC में जो है वो रिबेट मिलती है, इसके अलावा जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें भी आपको रिबेट मिलती है। तो अगर आपका पहला घर है तो आप जरूर पहला घर खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको जो हैवी इनकम टैक्स अपनी सैलरी में से पे करना पड़ रहा है उसमें आपको कुछ राहत मिलेगी, इसी बहाने आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। परंतु अगर आप पहले घर के बाद दूसरा घर इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो फिर ये उतनी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इसके बजाय आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो ये देखिए, जैसा मैंने बताया कि इंडिया में अभी भी सबसे पसंदीदा जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है वो प्रॉपर्टी है। यहाँ प्रॉपर्टी में 50.7% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये टोटल इंडिया हाउस होल्ड एसेट्स की रिपोर्ट है मार्च 2023 की। तो इसमें जो हाउस में लोगों का इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में वो 50.7% है। वहीं इक्विटी की बात करें, जो मैं बता रहा हूँ इक्विटी के प्रति लोगों
का इंडिया में अभी उतना रुझान नहीं है, क्योंकि इसे लोग एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं। इसमें लोगों का ये मानना है कि ये कभी भी क्रैश हो सकता है और ये एक सट्टेबाजी है, और इसके बाद लोगों के पास कैश भी रहता है ऐसे इन्वेस्टमेंट। लोग अपना प्रोविडेंट फंड में 5.8% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लोगों ने, इंश्योरेंस में 5.9% जो है वो इन्वेस्टमेंट है, बैंक डिपॉजिट में भी काफ़ी लोगों का भरोसा है, 14% लोग बैंक डिपॉजिट में भी अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं, और गोल्ड में भी लोगों का प्रॉपर भरोसा है, क्योंकि गोल्ड भी एक भरोसे का इन्वेस्टमेंट इंडिया में माना जाता है। तो गोल्ड में 15.5% यानी प्रॉपर्टी के बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो गोल्ड है, यहाँ पर लोग 15.5% का उनका इन्वेस्टमेंट है। अब हम इलस्ट्रेशन की बात जो हमने की, तो इसमें जो प्रोस एंड कॉन्स मैंने बताए थे कि अगर आप घर खरीदने जा रहे हो तो आपके मन में आएगा कि यार ह्यूज EMI, जैसे आप अगर 50 लाख का तो आजकल कोई घर मिलता नहीं, मिनिमम घर की जो कॉस्ट है वो 80-1 करोड़ है, तो उसकी अगर आप EMI बनवाने जाएंगे तो आपको 1 लाख रुपए की 1000 EMI के हिसाब से मोटा मोटा आपका 80-90 हज़ार रुपए की एक EMI बनेगी, वो भी 20-30 साल की लाइफ लॉन्ग उसका पीरियड होता है। और वहीं आपसे अगर कहा जाए रेंट, तो लोग कहेंगे कि आप जो रेंट में पैसा दे रहे हैं वो तो पूरा वेस्टेज ऑफ मनी है। वहीं कुछ लोग कहेंगे कि जो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका वैल्यू जो है वो बढ़ता जाता है। वहीं आप रेंट वाले हैं तो आप कहेंगे कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, तो आपके पास चॉइस रहेगी, ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका कि आप घर जो है वो अपने ऑफिस के पास लें, जिससे आपका कम्यूट का जो चार्जेस है, जो आपका पैसा है वो उतना आपका बच जाएगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि हाउस खरीदना बेहतर है या फिर रेंट पे रहना बेहतर है। तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी दो गर्ल्स हैं जो कि पुणे में जॉब कर रही हैं। अब ए जो गर्ल है उसने सोचा कि वो एक घर खरीद लेती है, जो कि 1 करोड़ रुपए का घर पुणे में अगर आप खरीदने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का घर आपको किसी अच्छी लोकेलिटी में 1 करोड़ से कम का नहीं पड़ेगा। वहीं पर जो बी है वो किसी अच्छी लोकेलिटी में रेंट पे रहना पसंद करेगी। तो ये दोनों एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ए ने डिसाइड किया कि वो 1 करोड़ रुपए का घर एक अच्छी लोकेलिटी में, जो कि उसके ऑफिस से पास है, वहाँ पर वो लेना के लिए सोचती है और लेने के लिए वो उसके लिए आगे बढ़ती है। अब उसके पास 20 लाख रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट से थे, जो कि उसने डाउन पेमेंट पे दे दिए, और उसने बैंक में लोन के लिए जब अप्लाई किया तो उसको ये पता चला कि यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है एक फ्लोटिंग रेट का और वहीं दूसरा ऑप्शन है फिक्स रेट का। तो फ्लोटिंग रेट जहाँ पे 8% का है, बट वो फ्लक्चुएट करेगा जैसे ही सेंट्रल बैंक मीन्स RBI जैसे ही अपना जो रेट्स वगैरह चेंज करती है, वैसे ही इस रेट में भी चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये लिंक्ड होते हैं रिजर्व बैंक की जो रेपो रेट्स होती है उनके ऊपर ये लिंक्स होते हैं। अब वहीं पर उसके पास दूसरा ऑप्शन है फिक्स 12% का, तो बैंक्स जो होते हैं वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए देते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं अपने ऊपर रिस्क लेके कि चलो हम थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट इनसे कवर करेंगे और फ्यूचर में जो भी रेट का ऊपर नीचे होगा वो हम इसी रिस्क से कवर कर लेंगे। परंतु यहाँ पर जो 12% का रेट है वो फिक्स रहेगा एंटायर लाइफ में, वहीं जो फ्लोटिंग रेट है 8% का वो RBI जैसे ही अपने रेट्स डिसाइड करती है उसी हिसाब से फ्लक्चुएट होगा, कभी ऊपर भी जा सकता है कभी नीचे भी जा सकता है। कोविड के टाइम में ये बहुत कम हो गया था और अभी ये फिर से थोड़ा सा अप है। तो अब ए ने डिसाइड किया कि चूंकि 12% जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो काफी हाई है, चूंकि थ्रू आउट द स्पैन उसको 12% देना पड़ेगा, वहीं उसको ये लगा कि 8% का जो फ्लोटिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो उसके लिए काफ़ी सही पड़ेगा, क्योंकि अभी 8 और 12 का जो डिफरेंस है वो 4% उसको काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो उसने 20 साल के लिए जो है वो फ्लोटिंग रेट में 8% का लोन चूज कर लिया, और उसके लिए उसको EMI पड़ी 67,000 a month। उसने सोचा चूंकि वो जॉब कर रही थी अच्छी कंपनी में तो वो उसके लिए मैनेजेबल थी। मीनवाइल जो उसकी एक फ्रेंड थी मैंने बताया बी, तो बी ने डिसाइड किया एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट उसी कॉम्प्लेक्स में जहां उसने घर लिया वहां पर वो रेंट पे रहेगी, और उस का रेंट जो था वो 30,000 था इंक्लूडिंग मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो लैंडलॉर्ड देता है तो वो रेंट पे ही इंक्लूड कर लेता है। तो यहाँ पर उसका जो 30,000 रुपये उसने जो रेंट
में एक घर लिया, वो उसी बिल्डिंग में जहां की ए ने 1 करोड़ का घर बाई किया और उसके लिए वो 67,000 का ईएमआई पे करेगी आफ्टर 20 लाख ऑफ डाउन पेमेंट। तो यहां पर बी ने चूज किया 30,000 रुपीस में रेंट देना और उसी बिल्डिंग में ऑफिस के पास, और उसने सोचा कि जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है उसको वो मार्केट में लगाएगी और उस फंड को वो ग्रो करेगी। तो अब कौन सा ऑप्शन बेहतर है ये आगे आपको दिखाई देगा। अब जो ए ने जो घर खरीदा वो घर जो है वो 6% की रेट से बढ़ रहा है 20 इयर्स में। अब जो ए ने घर खरीदा वो 6% एवरी ईयर फॉर 20 इयर्स की रेट से बढ़ रहा है। ये जो क्रिसिल का रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का ये कॉपी यहाँ पर लगाया हुआ है मैंने कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय क्रिसिल द एवरेज हाउस प्राइस इन इंडिया हैज इंक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेटली 6% पर ईयर ओवर द पास्ट 20 इयर्स। हाउएवर दिस ओवरऑल ट्रेंड मास्क अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन एट द रीजनल लेवल। सम सिटीज एंड रीजन्स हैव सीन मच हायर रियल एस्टेट ग्रोथ रेट्स इन इंडिया व्हाइल अदर्स हैव एक्सपीरियंस्ड रिलेटिवली लिटिल चेंज इन हाउस प्राइस ओवर द सेम पीरियड। तो भाई हम यहां पर 6% का ग्रोथ रेट पकड़ लेते हैं। अब बी जिसने की रेंट में घर लिया है उसके लैंडलॉर्ड ने सपोज 5% का रेंट पर ईयर बढ़ाना का डिसाइड किया और उनके बीच एग्रीमेंट हुआ। अब बी ने जो है अपना जो बचा हुआ पैसा था जो ईएमआई और उसकी रेंट के बीच का जो अमाउंट बच रहा था उसने सोचा कि वो उसका इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दे। तो अब सोचिए कि बी की जो रेंटिंग की स्ट्रेटजी थी वो कैसे विन करती है। तो इसका मैं आपको आगे एक्सेल में एग्जांपल बताता हूँ, कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैसे बी ने जो है वो ज़्यादा वैल्यू कमाई, ए ने उसकी तुलना में कम वैल्यू कमाई। तो अब यहाँ पर हम एक्सेल के थ्रू आपको समझाते हैं, कैलकुलेशन के थ्रू आपको समझाते हैं कि ए और बी की जो स्ट्रेटजी थी, ए ने जो घर खरीदा और बी ने जो रेंट को चूज़ किया, उन दोनों में से कौन विन करता है। तो ये देखिए, ए ने जो घर खरीदा था 1 करोड़ का उसमें 20 लाख रुपए उसने डाउन पेमेंट दिए और जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसका वो 80 लाख का था। अब उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% उसने फ्लोटिंग चूज़ किया था, तो यहाँ पर हम 8% का फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज कर लेते हैं। लोन का टेन्योर 20 साल का चूज कर लेते हैं और हाउस का जो एप्रिसिएशन है वो 6%। तो यहां पर टोटल हाउस कॉस्ट उसको कितना बड़ा, उसने जो ईएमआई दिया, जो उसने जितना ब्याज दिया, वो मिला के उसका घर पड़ा 20 साल के बाद 1,80,59,649 रुपए का। ये उसके हाउस की कॉस्ट जो उसने पे करी उस घर के लिए, ये इतनी पड़ी। अब जो 6% के रेट से एप्रिसिएशन हो रहा था हाउस का, तो वो 20 साल के बाद जो एप्रिसिएशन हुआ उसकी वैल्यू हुई 3,20,71,355 रुपए। तो उसने कितना अर्न किया इन 20 सालों में उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो उसने अर्न किया, अगर हम इन दोनों को घटा देते हैं, तो 1,40,11,705 रुपए उसने जो है वो 20 साल में अर्न किया। अर्न किया डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि घर खरीदना एक अच्छा ऑप्शन है और अगर आपका पहला घर है तो जरूर जरूर आपको घर खरीदना चाहिए। अब वहीं पर हम रेंट वाले की बात कर लेते हैं, जहां पर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, हम क्यों अपने ऊपर इतना प्रेशर लें इतना ईएमआई का, उससे अच्छा हम उतना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम जब चाहे तब हमारा लिक्विड मनी है, हम जब चाहे तब पैसा निकाल के अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहां पर उसने जो मंथली रेंट चूज किया था 30,000 का, 5% उसका एप्रिसिएशन था हर साल का जो उसका एग्रीमेंट था। और वहीं हम डिपॉजिट की आप बात करेंगे तो डिपॉजिट का अगर हम बात कर लें तो 1,80,000 डिपॉजिट हम पकड़ लेते हैं। अब जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न हम 12% ही पकड़ते हैं। मैंने आपको 15% 20-25% भी कुछ फंड हैं जो देते हैं, परंतु हम यहाँ पर एक ऑन एन एवरेज, जिससे आपको ये ना लगे कि बहुत अतिशयोक्ति हो गई या कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो हम 12% का इन्वेस्टमेंट पकड़ लेते हैं। तो 12% के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई वो क्या हुई, 4,37,99,147 रुपए। तो उसका जो गेन था वो कितना हो गया, 2,75,47,233 रुपए। ये बी ने गेन किया। वहीं ए ने क्या गेन किया, 1,40,11,705 रुपए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें कि किसने ज़्यादा गेन किया, तो डेफिनेटली बी ने जो है वो ज़्यादा गेन किया।
वहीं ए ने कम गेन किया, बी की जो वैल्यू है वो लिक्विड है, वो उसको कभी भी यूटिलाइज कर सकती है, वहीं ए की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो उतनी लिक्विड नहीं है, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है उसको इतनी वैल्यू ना मिले। तो यहाँ पर जो इलुस्ट्रेशन मैंने आपको बताया ए और बी का, तो वो रेंट वाला जो है उसने विन किया। अब आपके मन में ये आएगा कि भाई घर कब खरीदना चाहिए फिर, तो जब आप जितना ईएमआई किसी घर को खरीदने में दे रहे हैं आपको उतना ही रेंट पे करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको घर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में घर खरीदना एक बेटर ऑप्शन है। तो यहां पर जो ए ने ईएमआई दिया था 67,000 का, अगर बी 67,000 का रेंट दे रही होती तो वो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं था इन्वेस्टमेंट का। हालांकि उसको एक बहुत अच्छा घर मिल जाता, एक बहुत बड़ी लोकेलिटी मिल जाती और उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड होता वो बहुत ज़्यादा हाईफाई हो जाता और उसने कई सारा एंजॉय भी किया होता। परंतु यहाँ हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो जब आपका जो ईएमआई का कॉस्ट और आपका रेंट का कॉस्ट है वो इक्वल हो जाता है, तो फिर उस कंडीशन में आपको घर खरीदना ही बेहतर है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया वो एग्ज़ाम्पल सब एक अलग की बात है, और आपका लिए घर खरीदना आपके लिए एक स्टेटस सिंबल है, आपके पेरेंट्स का जो है वो प्राउड का क्वेश्चन है, और अगर आपका पहला घर है तो आपके लिए उसमें इनकम टैक्स का भी काफ़ी रिबेट होता है। तो एक और रीज़न है यहाँ पर बाय करने का, मॉर्गन हाउसल के हिसाब से हाउसिंग इज नॉट ग्रेट इन्वेस्टमेंट बट फॉर मोस्ट पीपल इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दे विल एवर मेक बिकॉज इट्स द ओनली एसेट दे विल लीव अलोन एंड लेट कंपाउंड फॉर 10, 20, 30 years। चूंकि ये वो जो घर खरीदते हैं वो अपने लिए ना खरीद कर अपने जो बच्चे होते हैं उनके लिए खरीदने की कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए कुछ तो छोड़ के जाएं, एक रहने के लिए घर होना चाहिए, एक छत होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो हो गई एग्जांपल भी मैंने बता दिया और आपको सारा कैलकुलेशन भी बता दिया और ये भी बता दिया कि रेंट लेना आपके लिए ज़्यादा फायदे का सौदा है, वहीं अगर आप घर लेंगे तो वो आपके लिए उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। हालांकि ये जो एग्जांपल है, एक्सेल है, कैलकुलेशन है, इनकी अपनी जगह है, वहीं पर जो एक माइंडसेट है उसकी एक अपनी जगह है। तो आपका जो माइंडसेट करे, जो आपको अच्छा लगे आप वो करिए, और ये अगर आपका पहला घर है एज एन इन्वेस्टमेंट, आपका पहला घर है तो आपको जरूर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि पहला घर खरीदने में जो है वो आपको इनकम टैक्स में भी आपको उसमें बचत होती है, जो आप हैवी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं अगर आपका पहला घर है तो उसमें आपको ATC के तहत जो आप प्रिंसिपल का अमाउंट दे रहे हैं उसमें भी बचत होती है, और वहीं जो आप इंटरेस्ट में अमाउंट पे कर रहे हैं वो आपकी इनकम से माइनस हो जाती है, तो एक काफ़ी इनकम टैक्स में उसमें रिबेट मिल जाती है। तो अगर पहला घर है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बेस्ट है, वहीं अगर आपका दूसरा घर है एज एन इन्वेस्टमेंट आप ऑप्शन पुश्ट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए दूसरा ऑप्शन बेटर है कि आप इन्वेस्टमेंट करें मार्केट में और उससे अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, और जो रिटर्न आपको मिलेगा वो लिक्विड होगा, जब चाहिए आपको तब आपको वो पैसा मिल जाएगा। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो लिक्विड नहीं होगा, जब आपको ज़रूरत होगी तो आप उतना पैसा नहीं ले पाएंगे, आपको औने पौने दामों में बेचना पड़ सकता है। तो ये तो हो गए भाई एग्जांपल हो गए, कैलकुलेशंस हो गए और माइंडसेट की भी बात हो गई, परंतु जो मैंने बताया कि इतना सब होने के बावजूद भी जो इंडियंस हैं वो 50.7% जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो घर पे ही कर रहे हैं, तो भाई ये एक जो है आत्मसम्मान की बात है, आपके पेरेंट्स के आत्मसम्मान की बात है, आपके भी लिए एक प्राउड मोमेंट होता है जब आप अपना घर खरीदते हैं, आपके पेरेंट्स के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होता है जब आप घर खरीदते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अगर पहला घर है तो आप घर जरूर खरीदिए, और अगर आप दूसरा घर एज एन इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन में उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना या फिर किसी और तरीके से इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का रिटर्न है वो उतना अच्छा रिटर्न नहीं है, मार्केट का रिटर्न ज़्यादा बेहतर है, लिक्विड है और जब चाहिए आपको तब वो मिल जाएगा। तो भाई अगर आपने अभी तक अपना पहला घर नहीं खरीदा
तो उसे तुरंत खरीद लीजिए। और अगर दूसरा घर खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने सभी दोस्तों को जो दूसरा घर खरीदने की सोच रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, जिससे उनको कैलकुलेशन पता चल जाए कि भाई हम जो सोच रहे हैं वो उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है और अब हमको जो है दूसरे घर की जगह मार्केट में या फिर किसी और ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम फ्यूचर में एक अच्छा फंड अपना एक अपनी अच्छी वैल्यू बना सकें। तो आशा करता हूं कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल, एग्जांपल, इलस्ट्रेशन, माइंडसेट, हर चीज़ बताने की कोशिश करी और आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे तुरंत लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने इस YouTube चैनल पर। नमस्कार दोस्तों।